डिजियाना न्यूज ने सोमवार को एक ऐसे टैंकर का स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था जिस पर फायर ब्रिगेड लिखा हुआ था और वो होटल रेडिसन ब्लू के टैंक में पानी डाल रहा था। डिजियाना की पड़ताल में अब तक ये बात सामने आई कि ये टैंकर ना तो नगर निगम का है और ना ही फायर ब्रिगेड का। दरअसल पानी का गोरख धंधा करने वाले इस अवैध कारोबार में शासकीय विभाग के नाम का इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े और इस टैंकर चालक ने भी यही किया। ये जामत खराब करे। सोमवार को डिजियाना न्यूज ने टैंकर क्रमांक MP14HB1553 को रिंग रोड स्थित होटल रेडिसन ब्लू में पानी डालते हुए रंगे हाथों पकड़ा और इस टैंकर पर फायर ब्रिगेड लिखा हुआ, साथ ही इमरजेंसी सेवा भी लिखा हुआ है। लेकिन इसका चालक इसमें भरा पानी होटल के पानी के टैंक में खाली कर रहा था। जब उससे जानकारी लेनी चाहिए तो वो भड़क गया। भेजा मत खराब करे। तो आप भैया पानी डालो यहाँ पे, किसी भी डालो पानी डालो ना, गाड़ी किसकी है? अरे ये कोई फोटो वाला है, इसको धो दूंगा, नहीं तो इसको फोटो खींच रहा है यहाँ आके और कैमरा से शूटिंग कर रहा। होगा कोई भी क्या? दो हो गया आप यूं चलने लोग मारोगे तुम? अरे तुम जाओ यार भैया यार। नहीं भी आपने बोला ना। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा फायर ब्रिगेड को 6 टैंकर उपलब्ध करवाए गए जो विभिन्न स्टेशन पर खड़े रहते हैं। ये तभी बाहर आते हैं जब कोई आग लगने की सूचना मिलती है और फायर ब्रिगेड के टैंकर फायर वाहन के साथ ही चलते हैं। लेकिन जो टैंकर होटल रेडिसन ब्लू में पानी डाल रहा था वो किसका था, ये बड़ा सवाल है। इस संबंध में जब एडिशनल एसपी फायर ब्रिगेड अंजना तिवारी से फोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया। टैंकर क्रमांक MP14HB1553 फायर विभाग का नहीं है। निगम द्वारा इनके विभाग को 6 टैंकर उपलब्ध करवाए गए जो मोती तबेला, लक्ष्मीबाई मंडी सहित अन्य 4 स्टेशन पर तैनात रहते हैं। एडिशनल एसपी अंजना तिवारी ने कहा कि इसकी जांच करवाई जा रही है और इससे साफ हो गया कि पानी का गोरख धंधा करने वाले निजी टैंकर्स पर फायर ब्रिगेड और नगर निगम लिखवाकर पानी का अवैध व्यापार कर लाखों रुपए कमाए जा रहे हैं। इस संबंध में निगम के जल कार्य समिति प्रभारी बलराम वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी वो निगम आयुक्त को दे रहे हैं और टैंकर चालक और टैंकर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जो अभी आपने जानकारी दी है कि फायर ब्रिगेड का जो टैंकर रहेगा वो कहीं पानी बेचते हुए पाया गया है, निश्चित है। मैं कमिश्नर साहब की जानकारी में ला के उस ड्राइवर पे भी कार्रवाई करूंगा और उस ड्राइवर पे कार्रवाई करके उसको जो भी उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। लेकिन ये घटना पहली हमारे सामने आई है और हमने इस पूरे पानी के मामले में सारी दूर अपडेटेशन भी किया हैगा, क्योंकि हमारे जितने प्राइवेट टैंकर लग रहे हैंगे हम उन पर नंबरिंग भी करा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति उस नंबर को देख के ये समझ सकता है कि इस पे निशुल्क जल वितरण है का और पूरे 85 वार्ड के 85 पार्षद उन टैंकरों को पानी बांट रहे हैं, लोगों को जनता को सुविधा दे रहे हैं। आगे ऐसा कोई भी प्रकरण आता है तो उस पे हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। आमतौर पर जब भी फायर ब्रिगेड या नगर निगम का कोई टैंकर सड़क से गुजरता है तो यातायात पुलिस भी उसे नहीं रोकती, क्योंकि चौराहों पर तैनात रहने वाले यातायात पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को ये लगता है कि उक्त टैंकर फायर ब्रिगेड का है जो आग बुझाने जा रहा है, या वो ये समझते हैं कि पानी की किल्लत के चलते निगम का टैंकर पानी बांटने जा रहा है। डिजियाना न्यूज इस पूरे मामले की तह तक जाएगा और ये पता लगाएगा कि आखिर ये टैंकर
जो होटल रेडिसन ब्लू में पानी डाल रहा था वो वाकई किसी शासकीय विभाग का है या फिर टैंकर चालक द्वारा फायर ब्रिगेड और नगर निगम के नाम का उपयोग कर खाली कमाई की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप मसीह के साथ अरशद खान, डिजियाना न्यूज, इंदौर।